एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल LVS कंप्यूटर सेंटर में स्वागत करता हूं। मैं हूं आपके साथ संजीव कुमार और आपके लिए लेकर के आज आया हूं एमएस वर्ड 2000 के अंदर मेलिंग टैब में स्टार्ट मेल मर्ज के अंदर कैसे आप लोग मेल तैयार करेंगे, स्टूडेंट का लिस्ट आपके पास है उसके नाम से कैसे लेटर को तैयार करेंगे वो भी मिनटों के अंदर से सीखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपना टॉपिक की ओर। सबसे पहले तो आप क्या करिए, जो जो स्टूडेंट के नाम से आपको लेटर तैयार करना है उसका लिस्ट तैयार कर लीजिए आप एक्सेल के अंदर जाकर के, क्योंकि लिस्ट तैयार करने में बहुत आसान हो जाता है एक्सेल में। तो उसके लिए आप एक्सेल में जाकर के लिस्ट तैयार कर लीजिए। एक्सेल में ओपन कर लिया, यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि सीरियल नंबर ले लीजिए। ठीक है, सीरियल नंबर ले लीजिए, जैसे शॉर्ट में एसएल नंबर ले लिया यहाँ पे। उसके बाद नेम ले लिया, उसके बाद यहाँ से फादर्स ले लिया। ठीक है, फादर्स यहाँ पर फादर्स ले लिया। ठीक है, शॉर्ट में ही डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पर ले लिया यहाँ पे एड्रेस, एड्रेस ले लिया और यहाँ पर क्लास ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अब दो चार बच्चे को मैं लिस्ट तैयार कर लेता हूँ। उसके बाद क्या करूँगा, किस तरह से बनता है, जैसे दो चार पाँच जो भी बच्चा रहे, जैसे रोहन को बनाना है, सोहन को बनाना है, गीता, सीता, रीता, टीना, इस तरह से मैं ले लिया। यहाँ जैसे कि संजय यहाँ पिता का नाम है। ठीक है, रोहित है ना, जैसे रंजीत है ना, यहाँ पर धनंजय। ठीक है, यहाँ पर नीतीश, जो भी नाम है अपना एक कर लेना है। ठीक है, शर्मा, और यहाँ पर एड्रेस ले लेते हैं जैसे कि कुर्था। ठीक है, अरवल है ना, जेबाद जो भी है, जहानाबाद में शॉर्ट में डाल ले रहा हूँ। ठीक है, पटना, ठीक है, गया, जैसे मानिकपुर, इस तरह से मैं डाल लिया। क्लास में जो भी ले लीजिए, ठीक है, इस तरह से मैं ले लिया। इसको सेव में करूँगा, क्या करूँगा, फाइल में जा करके मैं सेव कर रहा हूँ। कहाँ पे जी, तो डेस्कटॉप पर मैं सेव कर रहा हूँ। क्या नाम से, तो स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम से ऑलरेडी बना हुआ है, स्टूडेंट रिकॉर्ड सीट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से सेव मैं कर लिया, यहाँ से देखिए सेव हो गया। अब इसको क्या करूँगा, कट करूँगा। अब चलता हूँ कहाँ पे जी, एमएस वर्ड के अंदर। सबसे पहले तो एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद लेटर तैयार करना है, जो लेटर स्टूडेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है वो लेटर आप तैयार कर लीजिए। तो जैसे लेटर तैयार करने के में टाइम लगेगा, मैं कुछ भी मैसेज सपोर्टेड लिख देता हूँ, जैसे बराबर आरएनडी करके मैं ये मैसेज लेकर के आ गया। ठीक है, ये मैसेज लाने के बाद करना क्या है, कर्सर को सबसे फर्स्ट लाइन पर रख करके थोड़ा इंटर से आपको ये स्पेस ले लेना है। स्पेस लेने के बाद देखिएगा कि अभी ये इंसर्ट मर्ज फील्ड का ऑप्शन है वो हाईलाइट नहीं कर रहा है। मीन्स आपको जो आप जो लिस्ट बनाए थे जिसमें एड्रेस वगैरह था, जो डाटा था, वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। वो कैसे दिखाई देगा, तो सबसे पहले तो आप जो लिस्ट बनाए थे उसको सेलेक्ट रिसिपिएंट करके, इस ऑप्शन की यूज करके आप क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे, जो स्टूडेंट का लिस्ट बनाया था उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो वो तीन ऑप्शन दे रहा है, ये आउटलुक के द्वारा भी ला सकते हैं अपना डाटा को, और यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। ये क्या होता है कि जो मैं डाटा को बना करके बंद कर दिया, मीन्स डाटा को बना करके सेव करके रखा हूँ, उसको डाटा, उस डाटा को ला सकते हैं। नहीं तो आप इमेस वर्ड वाले डाटा भी यहाँ पर, इमेस वर्ड में भी डाटा क्रिएट कर सकते हैं टाइप ऑन न्यू लिस्ट से। लेकिन हमें क्या करना है जी, तो यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट का उपयोग करके हमें जो मैं डाटा, हम जो डाटा बनाए थे ठीक है एक्सेल में, वो वाला डाटा को लाना चाहता हूँ। तो इस पर क्लिक कर लीजिए और जो भी डाटा आप बनाए हैं वहाँ पर चलिए, जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे बनाया हूँ उस पर क्लिक कर लीजिए। और क्या नाम से बनाए थे जी, तो मैं स्टूडेंट रिकॉर्ड सीट के नाम से डाटा बनाया था अभी, तो इस पर क्लिक करके क्या करिए, ओपन कर लीजिए। ठीक है, ओपन मैं कर लिया और यहाँ देखिए सीट दिखा रहा है कि सीट क्या है। तो जैसे कि अभी आप एक्सेल जब बना रहे थे एक्सेल सीट के अंदर डाटा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जब आप एक्सेल के अंदर जो डाटा बना रहे थे वो सीट वन पर डाटा बनाए थे, जैसे यहाँ टाइप किए थे तो सीट वन के अंदर डाटा बनाए थे। ऐसा नहीं कि इसमें बहुत सारा सीट था, मात्र वन सीट था और उसके अंदर डाटा बनाए थे। तो जो सीट पे आप डाटा बनाइएगा वो सीट अपना चूज कर लीजिएगा। तो मैं किस सीट पे बनाया हूँ जी, तो वन पे, तो वन पे क्लिक करके ओके करूंगा। जैसे ही ओके करूंगा तो आपका ये देखिए इंसर्ट मिड फील्ड जो है वो हाईलाइट करने लगेगा। तो आप इसको क्या करेंगे, ये ओके कर लेंगे। अब देखिए ये फील्ड हाईलाइट करने लगा, तो एक एक करके सारे डाटा को क्या करना है, इंसर्ट करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले सीरियल नंबर ले लेना है, ठीक है,
सीरियल नंबर वहाँ, तो सीरियल नंबर ले लिया मैं, नेम ले लिया, जैसे स्टूडेंट नेम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, स्टूडेंट नेम ले सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद फादर्स नेम ले सकते हैं, ठीक है, जो लिखा हुआ वहाँ पर वही ले रहा हूँ मैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, जैसे एड्रेस, एड्रेस में ले लिया, ठीक है, उसके बाद क्लास में ले लिया। इसका अगर फॉन्ट चेंज करना है, लिखावट चेंज करना है, देखने में अट्रैक्टिव लगे, उसके लिए यहाँ पर जाना है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी बढ़िया सा देख करके अपना ले लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद करना क्या है, कर्सर को यहाँ रख करके टैब से आगे बढ़ना है, ठीक है, और चलना है यहाँ पे, और यहाँ से आपको ये फर्स्ट सीरियल नंबर के आगे सीरियल नंबर, नेक्स्ट यहाँ पे रखना है कर्सर और टैब से आगे बढ़ना है, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, यहाँ पे टैब से आगे बढ़ाना है यहाँ पे, और यहाँ से क्या करना है जी, सेकेंड वाले नेम को रखना है, ठीक है। अब नेम के बाद क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और टैब से आगे बढ़ना है, और यहाँ से सिर बारी बारी से ले सकते हैं, न तो एक बार भी ले सकते हैं, लेकिन मैं बारी बारी से लेकर के दिखा रहा हूँ। देखिए फादर्स नेम के आगे फादर्स नेम रखना है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट एड्रेस के आगे एड्रेस रखना है, यहाँ पर चलेंगे और एड्रेस यहाँ पर देखिए आ गया। नेक्स्ट क्लास के सामने आप क्लास को ले चलेंगे और यहाँ पर देखिए ये आ गया। अब क्या करना है कि ये डाटा को हम लोग यहाँ पर तैयार तो कर लिए, जो लिस्ट वगैरह से मैं आप दिखा रहे, बट जो डाटा को इंसर्ट किए थे वो यहाँ शो नहीं कर रहा, सीरियल नंबर के आगे सीरियल नंबर आना चाहिए था, बट सिर्फ सीरियल नंबर दिख रहा है, बट जो डाटा है वो नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करना है, देखिए आ गया डाटा, जैसे सीरियल नंबर के सामने सीरियल नंबर आ गया, नेम के सामने नेम आ गया, फादर्स नेम के सामने फादर्स नेम, एड्रेस के सामने एड्रेस, और क्लास के सामने क्लास। बट अभी देखिए आपके पास एक ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिख रहा है, अगर आपको सारा स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना है तो उसके लिए क्या करना होगा जी, तो आप यहाँ से नेक्स्ट करके आप देख सकते हैं, देखिए नेक्स्ट रिकॉर्ड आया 2, 3, 4, यहाँ से 5, 6, अब डाटा था नहीं, प्रीव्यू करना है तो पीछे करके देख सकते हैं। अब आगे क्या करना है समझिए जी, मैं चाहता हूँ कि सारा स्टूडेंट का नाम से एक इस तरह का क्या हो जाए, लेटर क्रिएट हो जाए, तो ये फिनिश पे क्या करना है क्लिक, एडिट पे, यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन दे रखा है, वॉल पे क्लिक करिएगा तो 6 स्टूडेंट का जो डाटा बनाए थे वो पूरा का बन जाएगा, करेंट मीन्स आप ओके करते थे जो 4 नंबर का डाटा क्रिएट कर रहे हो कि वही बनेगा, वही वाला डाटा बन करके छूट जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं तो हमें तो सारा का सारा डाटा क्रिएट करना है, ठीक है, तो ऑल पे तो क्लिक करने के लिए मैं बता दिया, लेकिन अगर आपसे कोई कहता है कि नहीं मात्र और मात्र 3 स्टूडेंट का डाटा क्रिएट करना है, मतलब 1 से लेकर के 4 तक या 1 से लेकर के 3 तक, तो कैसे करेगा, जैसे फ्रॉम यहाँ पर चलेंगे 1 ले लेंगे और यहाँ से जैसे 4 ले लेंगे तो 1 to 4 आएगा, बाकी 5 और 6 डाटा को छोड़ देगा, ठीक है। तो मेरे को क्या चाहिए, तो मैं सब सारा डाटा को क्रिएट करना चाहता हूँ, जितना भी स्टूडेंट को मैं लिस्ट बनाया था वो सारा लिस्ट का क्या करना चाहता हूँ, ये लेटर तैयार करना चाहता हूँ, उसके लिए आप ओके करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ से ओके करने के बाद देखिए ऊपर, देखिए लेटर तैयार हो गया ऊपर टाइटल बार में, देखिए ये 2 नाम से तैयार हो गया, ये 3 नाम से हो गया, देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा डाटा, सारा डाटा बन के तैयार हो गया, लास्ट देखिए 6 नंबर का डाटा। तो इस तरह से आप यूज करके क्या कर सकते हैं, मेलिंग के सहायता से, मेलिंग टैब के सहायता से आप क्या कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट लिस्ट के नाम हो, एम्प्लॉय लिस्ट के नाम हो, या फिर कुछ भी उसको नाम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं अपना डाटा को, ठीक है। तो धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आगे। इसमें अभी मैं क्या बताऊँ कि एक्सेल के अंदर लिस्ट बना के किस तरह से एमएस वर्ड के अंदर लेटर तैयार कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा क्या कि एमएस वर्ड के ही अंदर से लिस्ट बना करके कैसे अपना डाटा के क्या कर सकते हैं, लेटर तैयार कर सकते हैं। तो धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ फिर से।